أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللہ پاک دی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ دی بڑائی اور کبریائی، اللہ عز و جل دی بلندی اور بزرگی، اللہ جل جلالہ دی رفعت اور عظمت، جلال جمال کمال، الوہیت ربوبیت وحدانیت، تنہائی بڑائی کبریائی اور سچائی، رفعت و عظمت جلال و جمال اور کمال، جس قدر بھی بیان کیتا جائے کم قلیل اور تھوڑا ہے،
जो अल्लाह पूरी कायनात दा खालिक व मालिक राज़िक इलाह माबूद मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। हर नकस कोलों, हर ऐब कोलों, हर गलती कोलों, सहव कोलों, नसियान कोलों, पुल भुख ऊंग नींद थकावट कमजोरी कोलों, बीवी औलाद भैन भाई जैसे रिश्तियां कोलों, जवाल वबाल मौत जैसिया कमजोरियां कोलों, अल्लाह पाक हमेशा वास्ते मुबर्रा मुअल्ला मुनज़्ज़ा अरफा और आला है। जदों कुछ नहीं सी, ना बर ना बहर ना हजर ना शजर, ना जिन ना बशर, ना लैल ना नहार, ना दिन ना रात, ना हवा ना फिजा, ना पहाड़ ना दरिया ना समंदर, ना सितारे ना चंद ना सूरज, ना चमक ना दमक, ना कोई फूल ना कोई गुल, ना इंसान ना हैवान। जदों कुछ नहीं सी, अल्लाह पाक दी जात उदो है सी, और जदों कुछ नहीं रहेगा अल्लाह पाक उदों भी बाकी रहेंगे। अल्लाह ताला खांदे नहीं खिलांदे ने, अल्लाह पाक पींदे नहीं पिलांदे ने, अल्लाह पाक सौंदे नहीं सिलांदे ने, अल्लाह पाक मरदे नहीं मारदे ने, अल्लाह पाक मोहताज नहीं हुंदे मोहताजां ते फकीरां ते जरूरतमंदा ते दुखियां ते परेशानां ते भुखियां प्यासियां दियां झोलियां नूं भरदे ने। अल्लाह ताला ओ जात है कि जिसदा ना कोई यौमे मिलाद है, अल्लाह ताला ओ जात है कि जिसदा ना कोई यौमे वफात है। अल्लाह पाक दा यौमे मिलाद भी कोई नहीं, अल्लाह पाक दा यौमे वफात भी कोई नहीं। अल्लाह पाक दी किते कबर नहीं, किते मजार नहीं। अल्लाह पाक हमेशा तो हमेशा वास्ते और पूरी दुनिया दा खालिक भी है, मालिक भी है, राजक भी है, शहनशाह भी है ते मुश्किल कुशा भी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल दी मुख्तसर हमदो सना तो बाद दरूदो सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म रहमत दो आलम कौनैन दे सरदार सकलैन दे रसूल जहाना दी रहमत रहबर रहनुमा हादियो पेशवा मुर्शिदो मुक्तदा कौनैन दे सरदार सकलैन दे रसूल जहाना दी रहमत आमना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल खातम नबीयीन रहमत लालमीन शफीउल मुज़नबीन जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस से दुरूद व सलाम मुख्तसर इंतहाई मुख्तसर और फिर भी मुख्तसर हमदो सना और दुरूद व सलाम तो बाद इस हकीकत तो इनकार नहीं किया जा सकता, इस सदाकत नूं झुठलाया नहीं जा सकता, इस हक्कानीयत नूं फरामोश नहीं किया जा सकता, इस सच्चाई नूं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस आलमे रंगो बू इस गर्दश लैलो नहार इस आरजी जहान दे अंदर हर बड़ी मखलूक और हर छोटी जिनस नूं पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। कुछ मखलूकात वो ने जो सानू नज़र आदियां ने और कुछ अजनासों ने
जो साड़ी निगाह और नज़र और इलम तो मख्फी पोशीदा ने इन तमाम अजनास आलम और मखलूकात कायनात के अंदर एक मखलूक एक हस्ती एक जिनस ऐसी है जिसनू बाकी दूसरी मखलूकात ते ए शरफ ए इज्जत ए मर्तबत ए मुकाम ए इम्तियाज ए एजाज और ए एजाज हासिल है कि बाकी जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया जदों चाया जितना चाया जिस कदर चाया बनाया कुन कह के अपनी मर्जी ते हुक्म दे नाल अल्लाह पाक ने इस हकीकत नूं इंज करके बयान फरमाया है इन्नमा इज़ा अराद अल्लाह अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला जदों कोई कम करन दा इरादा फरमांदे ने इन्हें कहंदे ने कुन हो जा, वो कम हो जांदा है। सत्ते जमीना सत्ते आसमान सारा जहान अल्लाह कल्ले ने बनाया है। पूरी कायनात नू बनाण विच किसे एक कम विच भी अल्लाह ने किसे होर दी मदद नहीं मंगी, ना किसे बुजुर्ग नू बुलाया कि यार रल मिल के चन्न बना लईए, ना किसे नबी नू, ना किसे इमाम नू, ना किसे वली नू, ना किसे बुजुर्ग नू, क्योंकि जेड़ा गैरां दा मुहताज होवे वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, कुशा होंदा है वो गैरां दा मुहताज नहीं हो सकता। कल्ले नहीं बनाया, एक बनाने वाला बनने वाले बहुते, बनाण वाला कल्ला, खान वाले बहुते, खिलाण वाला कल्ला, पीन वाले बहुते, पिलाण वाला कल्ला, सौन वाले बहुते, सिलान वाला कल्ला, जागण वाले बहुते, जगान वाला कल्ला, मंगण वाले सारे ते अता फरमान वाला कल्ला, मुहताज ते मांगत ते फकीर सारे ते सारियां दियां चोड़ियां भरन वाला कल्ला। बनाया अपनी मर्जी नाल जिवें चाहिया, लेकिन एक अस्ती एक मखलूक एक जिनस नू दूसरी मखलूकात ते ए मुकाम हासिल है कि उस जिनस नू जदों बनाया ना अल्लाह ने फरमाया खलक तो बेयतैया ओनू असी अपने कुदरत कामला दे हाथ नाल बनाया है। एक मखलूक है सिर्फ, केड़ी आ तुसी ते मैं ते साढ़े तो पहले ते पीछे आने वाले। अल्लाह ने फरमाया जदों इंसान की वारी आई ये सारियां तो अफजल सी, बेहतर सी, इनू असी अपने मुहब्बत ते प्यार ते कुदरत दे हत्था दे नाल बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा, इंसान नू शरफ हासिल है, बाकी मखलूकात दे नालों इनू मर्तबत ते इज्जत ते मुकाम ते रिफत ते उरूज ते बुलंदी नसीब आ। क्यों? अल्लाह ने फरमाया हलाता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यशै लम यकुन शैयम मज़कूरा। बनाण वाला भी आला, बनण वाला भी आला। बनाण वाला कौन है? थल्ले नहीं उत्ते वे, मरिया नहीं जिंदा, दूर नहीं
नजदीक है, बनाण वाला भी अल्लाह है, और वो है कौन? अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा वस्समाअ बिना وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. آئے بنان والا اچھے تے نیوے تے کالے تے کوجے تے فینے تے چچے اللہ جویں دا کس نوں چایا بنایا ماں دا زور نہیں باپ دا دخل نہیں کسے وڈے چھوٹے عام خاص دا زور چلیا نہیں جویں دا چایا بنا کے وخا دیتا تے دسیا لو میں بنا دیتا ہے کہے دا زور چلدا ہے تے میں نہ کر نیواں بنایا کوچا کر کے وخائے اکھاں چھوٹیاں بنائیاں کو وڈیاں کر کے لے آئے قد میں چھوٹا رکھیا ہے کوئی اینوں ودا کے کھچ کے وخائے اونچا کر کے دکھائے نہیں کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے بنان والا میں ہاں کہے دا دخل نہیں کہے دا زور نہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بنا وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ سنتا ہے صرف جمعہ رات نو نہیں صرف اتوار نو نہیں صرف منگل نو نہیں پھر صرف نچندی رات اتوار نو نہیں اللہ اکبر صرف بوڑھیاں جواناں دی نہیں صرف جنہاں انساناں دی نہیں بلکہ ہو الحیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. کون بنان والا؟ چھینا جب کسی نے تبسم میرے لب سے چھینا جب کسی نے تبسم میرے لب سے مانگی مدد میں نے اپنے پیارے رب سے مانگی مدد میں نے اپنے پیارے رب سے وہ سب کا ہے والی وہ سب کا ہے والی جھولی بھرتا ہے خالی وہ سب کا ہے والی جھولی بھرتا ہے خالی وہ واحد ہے اکیلا بلند و بالا ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے وہ سب سے بیماروں لاچاروں کو دیتا ہے شفا بیماروں لاچاروں کو دیتا ہے شفا کرونے دے مریض بلڈ پریشر دے بیمار ہیپاٹائٹس دے مریض شوگر دے بیمار
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਸਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਾਸਲੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖਲੋਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨਾਕਾਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੀਮਾਰੋਂ ਲਾਚਾਰੋਂ ਕੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਸ਼ਫਾ, ਬੀਮਾਰੋਂ ਲਾਚਾਰੋਂ ਕੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਸ਼ਫਾ, ਸੁਣਤਾ ਹੈ ਦੁਆਵੋ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਭ ਸੇ, ਸੁਣਤਾ ਹੈ ਦੁਆਵੋ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਭ ਸੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਖਤਾਕਾਰੋਂ ਕੋ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਮੁਆਫ, ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਸਿਆਕਾਰੋਂ ਖਤਾਕਾਰੋਂ ਕੋ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਮੁਆਫ। ਬੜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸੇ, ਉਹ ਬੜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸੇ। ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਜਿਸਮ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਜੂਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਤ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਾਰਤ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਫਤਾਰ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ, ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋ ਵੱਲ ਹਈਓ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਹੋਆ ਫਦੂਹ ਮੁਖਲਸੀਨਾ ਲਹੁਦੀਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੋ ਕਤਰੇ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੋ ਯਤੀਮੋ ਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰ ਦੇ, ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੋ ਦਰਿਆ ਕੋ ਬਣਾ ਦੇ ਨਾਲੀ, ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੋ ਦਰਿਆ ਕੋ ਬਣਾ ਦੇ ਨਾਲੀ, ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੋ ਨਾਲੀ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰ ਦੇ, ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੋ ਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਬਣਾ ਦੇ ਗਦਾ, ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੋ ਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਬਣਾ ਦੇ ਗਦਾ, ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੋ ਗਦਾਓਂ ਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਤ ਅੰਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਸਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਤ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਜਲਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ। ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾ ਅਯੂਹ ਨਾਸੂ ਉਬਦੂ ਰੱਬਕੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਕੁਮ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਕੁਮ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਤਕੂਨ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਾਈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਣਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜੰਨਤ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ?
एक गल समझ आ गई होगी कि सब तो आला मखलूक इंसान है। या अल्लाह कादे लई बनाया है, गर्व की है, मकसद की है, सिर्फ खाण वास्ते, पीण वास्ते, भजन वसण वास्ते, रहन सहन वास्ते, हसन खेडन वास्ते। अगर ते इना मकसद किसे इंसान ने समझ लिया, मैं दुनिया ते आया खा लो पी लो ले लो खो लो मार लो दबा लो कुड लो सौ लो ते जाग लो ते भज नस लो ते आखिर एक वेला आए जदो अल्लाह अकबर अगा गए कलाण वाले कलाया तो फिर अगर चले गए। अगर सिर्फ इन्ना ही मकसद इंसान ने समझा दुनिया से आने का, यह बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी महरूमी है, बहुत बड़ी बदबख्ती है और बहुत बड़ी कम अकली है, बेवकूफी है और जहालत है। मेरे भाइयों, अगर सिर्फ इंसान के पैदाइश का मकसद खाना है या पीना है या सोना है या जागना है या बहना है या उठना है या जमना है या मरना है, ये काम हैवाना नाल भी ने, ये लवाजमात ये जरूरियात डंगरां नाल भी ने, डंगर खांदे भी ने, पींदे भी ने, भजदे नसदे भी ने, भेड़ां बकरियां खोते घोड़े मझां गावां हैवान चौपाए ये जनाब पठे पानी खांदे पींदे ने, सौंदे जागदे ने, भजदे नसदे ने, उठदे बैठदे ने, जमदे मरदे ने। अगर इंसान ने भी दुनिया ते आण दी अपनी इहो गल समझी आ, फिर बंदे विच ते डंगर विच, इंसान विच ते हैवान विच, फिर बंदे विच ते चौपाए विच, फिर बंदे विच ते हैवान डंगर विच कोई फर्क ना रहा। आला ने आला नू आला मकसद वास्ते बनाया, आला ने आला नू आला मकसद, ओ मकसद की है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदू। अल्लाह फरमाने से जिन्ना इंसानां नू अपनी इबादत दे वास्ते बनाया, गरज की है, कादे लई अल्लाह ने बनाया। ये ना समझो मैं रोटियां बहुतियां खा लेना, दुध पी लेना, मैं सेहत मेरी अच्छी है, मेदा चंगा काम करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये डंगर नाल भी काम ने। आइए अपनी पैदाइश ते तखलीक दे मकसद को समझिए। मेरे भाइयो, बड़ी प्यारी गल किसी ने कही, अल्लाह कहंदे ने जानवर पैदा किए, ओए जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज सितारे हैं दया के वास्ते, चांद सूरज सितारे हैं दया के वास्ते, खेतियां खेतियां सर सब्ज हैं तेरी गिला के वास्ते, ये सारा जहां तेरे लिए। ओ बंदे आ, ओ इंसाना, ओ सेठा ते सरदारा, ओ मौलविया ते कारिया, ओ पीरा ते फकीरा, ओ हुक्मराना ते सरसदियाना, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, जिन्हू चावे खड़े जो लवे, जिन्हू चावे बाल्टी लैके थले बह के चो लवे, ते जिन्हू चावे छुरी लैके को लवे। तेरे अगे बोलता कुछकदा कोई नहीं, वो ये नहीं आंदा भी परां जा हां तू मेरा मासी दा पुत्त लग रहा, मैं अपने कट्टे लई दुध लाया है, अपने वछे लई वाना है दुध उतारिया है, ते तू कि मेरा लगना है। ना कोई कुछकदा नहीं, कोई बोलदा नहीं, इनकार करदा नहीं। और इसे वास्ते कह कहण वाले ने जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज सितारे हैं दया के वास्ते, और खेतियां सर सब्ज हैं, सुभान अल्लाह, खेतियां सर सब्ज हैं तेरी गिरदा के वास्ते, ये सारा जहां, ये सारा जहां तेरे लिए, और तू खुदा के वास्ते, ये सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते।
अल्लाह फरमांदे ने बंदिया जमीन तेरे वास्ते, आसमान तेरे वास्ते, सारा जहान तेरे वास्ते, सितारों की चमक तेरे वास्ते, चन्न की चमक तेरे वास्ते, फुलां की खुशबू तेरे वास्ते, दरिया दियां लहरां तेरे वास्ते, समंदर दियां मौजां तेरे वास्ते, गुलो गुलजार तेरे वास्ते, बागो बहार तेरे वास्ते, रात दियां तरीकियां तेरे वास्ते, दिन दे उजाले तेरे वास्ते, खान पीन माकूलात मशरूबात दे समान तेरे वास्ते, ओ बंदिया सारा कुछ तेरे वास्ते, ते तू बन जा मेरे वास्ते, जदों तू बनेगा मेरे वास्ते, मेरी जन्नत होवेगी तेरे वास्ते। मसायब अलाम ने, परेशानियां ने, ये सारे दा सारा कुछ क्यों वे? अपनी तखलीक दे मकसद भूल गए। आज भी अगर इंसान अपनी सलाह कर ले, अपनी पैदाश दे मकसद नूं समझे, इंडिया दी कोई कुवत नहीं, अमरीका दी कोई हसीयत नहीं बनी, और जो इसराइल बनिया फिरदा है, अमरीका दा पालतू कुत्ता, उदा कोई मुकाम नहीं। अल्लाह ने मुसलमान नूं शान उदा फरमाया, जिसले मुसलमान मुसलमान बन जांदा है, तुरदा जमीन ते वे रहमतां दा नज़ूल अरशे बरीं दे विच होंदा। साड़ियां अपनियां कमियां ने, साडे विच कमजोरियां ने, साडे विच खामियां ने, अल्लाह अकबर, मकसद समझिए कादे लई बनाया है। अल्लाह फरमांदे ने ताके तुसी मेरी इबादत करो, मेरे सामने झुको, मेरे घरां नूं आबाद करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह दे घरां विच आके अल्लाह अगे दुआवां करो, झुको, सजदे पवो। जिहड़े आंदे ने मस्जिदां विच इकट्ठ ना करो, बेवकूफ ने, जाहिल ने, अल्लाह दे दीन तो बेखबर ने। अल्लाह ताला ने साड़िया दुखां दा इलाज, साड़िया परेशानियां दा हल, साड़िया परेशानियां दा मदावा, साड़िया बीमारियां दी शफा अल्लाह ने अपने दीन विच रखी आ, इस्लाम विच रखीए, ईमान विच रखीए, कुरान विच रखीए। आइए अल्लाह वल आइए, ते मुसीबतां तो निजात पाइए। बनाया कादे लई? इबादत वास्ते। इबादत कादे लई? कादे लई? इबादत दा मकसद की है? मैं पहले जिहड़ा मुकाम कुरान करीम दा पढ़िया है, उहदे च अल्लाह पाक ने इहो हकीकत बयान फरमाई है, इहो मसला अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। ईमान वाले अल्लाह को डर जाओ। अल्लाह मखलूक इंसान है, ते कादे लई बनाया? इबादत वास्ते। ते आखिरी पॉइंट, इबादत कादे वास्ते? नमाज, रोजा, हज, सदका, खैरात, उमरा, तिलावत, सखावत, वड्डी नेकी, छोटा अमल, सहरियां, अफतारियां, इतकाफ, अल्लाह तरावियां, फराइज, सुनन, नवाफिल, जिक्र, अजकार, विरद, वज़ाइफ, ये सारियां नेकियां दा मकसद की है, गरज की है। आखरी पॉइंट है मेरी गुफ्तगू दा, अल्लाह अल्लाह पाक फरमांदे ने इस वास्ते, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। ईमान वाले अल्लाह को डर जाओ। नमाज, रोजा, तमाम नेकियां दी करदे, जे रोजे रख के, तरावियां पढ़ के, तस्बियां फेर के, इतकाफ बैठ के, तिलावतां करके, नेकियां करके, कुर्बानियां करके, हज उमरे ते लखां रुपए खर्च करके, जे बंदे नूं आ चीज नसीब नहीं हुई, जे इस हकीकत नूं नहीं पाया, अगर ये मकसद हासिल नहीं होया, पैसा लग गया, वक्त सर्फ हो गया, लेकिन असल चीज तो अल्लाह, हर चीज का एक मकसद होता है, एक रूह होती है।
यो इंसान दे जिसम रूह ना हो हाथ है फड़न जोगे नहीं, रूह निकल गई अखा नाल ने वेखन जोगिया नहीं, जान निकल गई पैर नाल ने तुरन जोगे नहीं। अल्लाह रूह जिसम चो निकल गई कन सुन लो गए अखा वेख लो गई पैर तुरन हो गए दिमाग सोच लो गया हाथ पकड़ लो गए। जो रूह ही ना हुई तो फायदा की? अल्लाह फरमाते ने हर नेकी ते अमल ते इबादत की रूह की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून, ताके तुहाडे दिलां विच अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह की खशियत वाले दिलों की जीनत बन जाए। अल्लाह को डर जाओ, जेड़ा बंदा रब को डर गया अल्लाह फरमाते ने दोवे जहाना में ही डर गया। जो बंदे अल्लाह को डरते सन उदो जंगलों के शेर भी इन्हों को डरते सन। जदों का मुसलमाना ने रब का डर दिल में कर दिता, कित कोरोने का डर, कित हैपाटाइटिस का डर, कित इंडिया का डर, कित इसराइल का डर, कित अमरीका दिया धमकियां। अल्लाह अकबर कबीरा, आइए रब को डर जाइए। अल्लाह फरमाते ने बंदिया मेरे को डरना तेरा काम है, ते तेरे काम सीधे करने मेरा काम है। या ए मैं जज्बात की दुनिया अंदर नहीं कह रहा, खिताबत के जोश विच नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह होशो हवास दी मौजूदगी दे अंदर किताबो सुन्नत दी रोशनी दे अंदर अल्लाह फरमा रहे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम युस्लिह लकुम। परेशानियां मुक जाणगियां, टेंशन खत्म हो जाएगी, बीमारियां तो निजात मिल जाएगी, दुखों तो छुटकारा हासिल हो जाएगा। युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युत्तिल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़ान अज़ीमा। अल्लाह वाल आइए तो सही, अल्लाह नाल प्यार पाइयो तो सही, अल्लाह दा डर दिल दी जीनत बनाइए तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। इस चीज नूं इंज करके समझ लो ते आसानी हो जाएगी। इस मसले नूं जरा मैं सलीस आसानी दे तौर ते इंज करके बयान करा ते तुहाडे वास्ते सहूलत हो जाएगी। जो जुबान होवे जिक्र वाली, अल्लाह जुबान होवे जिक्र वाली, ते दिल होवे फिक्र वाला, ते अख होवे हया वाली, ते हाथ होवे वफा वाला, फेर बंदा बनता है खुदा वाला, फेर बंदा बनता है खुदा वाला। फिर सुन लो, सबक याद कर लो, पहली दफा तुहाडे चक अंदर मौसम अल्लाहु अकबर जो कुछ है तुहाडे सामने ही है, सफर दी तवालत परेशानी अखां विच अल्लाह बोझ भर कैफ, ये जो कुछ भी है अल्लाह दी रहमत है, मेरी कोई बहादुरी नहीं। हाफिज मुहम्मद अकबर साहब हाफिज़हुल्लाह तआला तुहाडे इमाम खतीब तकरीबन एक महीना पहले साढ़े कोल फैसलाबाद तशरीफ लै गए, उन्हां दा आर्डर मेरे लिए लोहे का गाडर अल्लाह अकबर, उन्होंने आर्डर फरमा दिता और मैं अल्लाह की तौफीक नाल पहुंच गया। मैं क्या कदों? कहन लगे 26 तारीख, 26। मैं क्या अच्छा, कदी पंजी ते कदी 26, कदी पंजी ते कदी 26, हाजा मैन फगले रबी ओ कदी पंजी अज 26 आ, कदी पंजी ते कदी 26, हाजा मैनू फजले रब्बी। अल्लाह अकबर। मैं गुनागार कम इलमा पर अज रब वल्लों गल फब्बी,
ओए अज रब वल्लों गल फब्बी कल दा चलिया फसदा बादों अल्लाह दी तौफीक दे नाल मैं क्या लेट ना किते हो जावां अल्लाह दा शुक्र है 12 बजे रब ने पुजा ही दित्ता है। अल्लाहु अकबर कदी पंजी ते कदी छब्बी हाजा मिन फजले रब्बी मैं कम इलम गुनाहगार सही पर रब वल्लों गल फब्बी हाजा मिन फजले रब्बी। अल्लाहु अकबर कबीरा कईयां ने मुछा ने इंज रखियां ओ कईयां ने मुछा इंज रखियां जिवें खोती नूं दित्ती खब्बी। अल्लाह ताला सानू नबी दी सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए मुस्तफा दा अमल वाला प्यार नसीब फरमाए। नेरा मैं सदके जावां ते कुर्बान जावां ते गल मनन दी वारी आवे ते मुल्तान जावां या हबीब अल्लाह मैं सदके जावां जे आखे लगन दी वारी आवे ते सिद्धी दसके जावां इंज नहीं बल्कि कदी पंजी ते कदी छब्बी हाजा मिन फजले रब्बी। ओ मस्जिद विच पहली सफ विच खलोता है फिर भी हर शै जांदा दब्बी। अल्लाह पाक सानू हदायत नसीब फरमाए आओ अमल वाली जिंदगी अपना लईए। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह फरमांदे ने मेरे कोलों डर जाओ मौलवी हो पहलो अपनी गल कर लईए कोई परेशान होवे सब तो पहले मैं अपने आप नू मुखातब हां भाई सब तो पहले मैं अपने आप नू मुखातब हाँ मौलवी हो तुसीं भी अल्लाह कोलो डरो ओ पीरो तुसीं भी अल्लाह कोलो डरो हुक्मरानो सियासतदानो जागीरदारो जमींदारो दुकानदारो काश्तकारो ओ मर्दो ते औरतो अल्लाह कोलो डरो। वेख लो जिस बंदा रब कोलो डर जांदा खुदा दी कसम है अल्लाह पाक दियां रहमतां दे दरवाजे सारे ही खुल जांदे ने। रमजान का महीना गुजर गया मकसद की सी या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कुर्बानियां दे अय्याम करीब आ रहे ने मकसद की है कुर्बानी का लय्यना अल्लाह लुहुहा वला दिमाउहा वला किन्यना लहु तक्वा वला किन्यना लहु तक्वा मिनकुम। रोजे कुर्बानियां हज नमाज सदके खराब जिक्र अज़कार तलावतां विरदो वज़ार एहो मकसद है। अल्लाह कोलों जिहड़ा रब कोलों डर जांदा खुदा दी कसम है वेखो रब कोलों डरन वाला। बुखारी शरीफ दी हदीस है नबी पाक दा फरमान है रसूलुल्लाह दा इरशाद है अहल हदीस दा मिंबरो महराब है अहल हदीस दा इज्तमा है खुतबा जुमातुल मुबारक है अल्लाह दी रहमत ते फजल करम दे नाल मैं जड़ी गल करनी है ते इत्थे हुंदी है ते हुंदी रहनी है। साडे मिंबर तों कदी भी ये तुसीं आवाज नहीं सुनी होवेगी हमारे मौलवी ने यूं कहा है हमारे खतीब ने यूं कहा है फलां साहब ने यूं फरमाया है मेरे बाप दादे ने यूं कहा है नहीं अहले हदीस का बड़ा आलम हो या मुझ जैसा खताकार गुनाहगार कम इलम तालब इलम हो सारे मिंबरों मेहराब से यही आवाज यही पुकार यही सदा यही पुकार बुलंद होती है कि रब के कुरान ने ऐसे कहा है मोहम्मद के फरमान ने ऐसे कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया ये रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसम कहां किसी की सदा लाहौर की तरफ है किसी की दावत पेशावर की तरफ है किसी की पुकार अजमेर की तरफ है किसी की सदा कूफे की तरफ है किसी की दावत मुल्तान की तरफ है। अहले हदीस आसमान के नीचे जमीन की पुष्ट पर एक वाहिद जमात है जिसकी दावत यही है लोगों रब के कुरान की तरफ आ जाओ मोहम्मद के फरमान की तरफ आ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसी में निजात है इसी में शफा है इसी में कामयाबी है इसी में सुरखुरुई है इसी में फला है इसी में निजात है।
इसी में जन्नत का दुखूल है, बहिष्ट का हुसूल है। हदीस नबी पाक दी, रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वक्त हो गया, आखिरी बात सुन लो। अल्लाह ने पहला मौका देता है, पिंड केड़ा है, गंडा सिंह चक, चलो चक तो ठीक है, तो गंडा सिंह ये पता नहीं कदों निकलना, सिंह कदों मर, रल मिल के माशाल्लाह मार लो हिम्मत, होर कोई इस्लामी ना, इस्लाम नगर, मुहम्मदाबाद, तौहीद नगर, बड़े प्यारे प्यारे नाम ने अल्लाह पाक, कोशिश करके एदा नाम बदलने की तौफीक नसीब फरमाए। ये सिंह सुंग जड़े ने ना, अल्लाह ताला इन्हां तो बचा के रखे, बाहर कैफ, अल्लाह पाक सानू अपने दीन की समझ नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी तौहीद का प्यार ते नबी दे फरमान की मुहब्बत दे नाल सरशार फरमाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने, नबी पाक ने फरमाया, बनी इसराइल दे अंदर दो शख्स, एक ने दूजे को मुल जमीन खरीदी, जिन्हें जमीन मुल खरीदी सी उन्हें जमीन दे अंदरों सोने का भरिया होया बर्तन मिलिया, सोने का बर्तन, मेरी मेरे बाप की बात नहीं, कारी मुहम्मद अकबर साहब की बात नहीं, किसी अज के खतीब के वाज की बात नहीं, एओडी बात है जेडियां बातां नूं अल्लाह ने अपना कुरान बना दिता है, ते जिन्नू सारे जहान दा इमाम बना दिता है। वमा यंतिकुल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, ओदियां गल्लां ने, ओदियां बातां ने, बोल दे जमीन उत्ते ने, राजी रब अरशे बरी दे हो जांदा है। केदी बात है, मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखणे दा पुखड़ा, वेखा ते कट जाए दुखड़ा, ओ मन हरिया होवे सुकड़ा, ठर जावण अखियां मेरियां, जो सुफनिया ने घेरियां, कोई चेहरे नू तलवार कहे तलवार दी, कोई तार कहे कोई बदर दा लश्कार कहे, कोई चन दा चमकार कहे, मैं चन कवां इंसाफ नहीं, ओ चन दा ते चेहरा साफ नहीं, चन आप भुखा दीद दा पज ला के आउंदा सी ईद दा, एथे यूसुफां दी अलैहिस्सलाम वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा सा नहीं, ओ जा पुछ लै हबशी बिलाल नू रज़ी अल्लाह अन्हो, जिस डिठाई सोने लाल नू, एक वारी जिसने तकिया मुड़ के नहीं ओ उठ सकिया। साडे महबूब पाक अलैहिस्सलाम उत्तों भी सोने, विच्चों भी सोने, अंदरों भी सोने, बारों भी सोने, सूरत भी सोनी, सीरत भी सोनी, किरदार भी सोना, गुफ्तार भी सोनी, विहार भी सोना, बचपन भी सोनी, जवानी भी सोनी, बुढ़ेपा भी सोना, घर भी सोने, बार भी सोने, सफर भी सोने, हजरत भी सोने, कयाम भी सोने, रकू भी सोने, सजदे भी सोने, तिलावत भी सोने, खिताबत भी सोने, किताब भी सोने, खिताब भी सोने, मेरे मुस्तफा बनाते भी, अगवाज भी, अपन भी, बेगानिया भी, बदर भी, ओहद विच भी, हुनैन विच भी, लिबास विच भी, हजामत विच भी, सुन विच भी, बोलन विच भी, वेखण विच भी, दिनां विच भी, रातां विच भी, पहले आसमान ते भी, दूजे तीजे ते भी, चौथे पंजवें ते भी, छेवें ते भी, सतवें आसमान दियां बुलंदियां ते भी, मुस्तफा जमीन ते सता ते भी, अज कबर मुबारक अंदर भी, कल हशर दे मैदान अंदर भी, अगे जन्नत दे मकाम अंदर भी। अल्लाह ने जिथे रखिया आला बना के रखिया,
औला बना के रखिया, बेहतर बना के रखिया, बरतर बना के रखिया, अजमल बना के रखिया, अकमल बना के रखिया, हुसैन बना के रखिया, नाज़नीन बना के रखिया, सारी कायनात जो मुहम्मद मुस्तफा नु बेहतरीन बना के रखिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आप सरकार फरमांदे ने जिसले उन्हें वेख्या सोने दा बर्तन ते जिहदे कोल जमीन खरीदी सी उहदे कोल लैके चला गया, कहण लगा भाई मैं तेरे कोल जमीन खरीदी सी, मैं ते जमीन दे पैसे पेमेंट कीते ने, मैं ते जमीन दी कीमत अदा कीती है, ये सोना तेरा हक बनदा है। वो कहण लगा तेरा हक बनदा है। अज दी लड़ाई पता क्यों है? मेरी मेरी तो ते उदों दा झगड़ा हो गया तेरी तेरी तो। आ जानिया आ भी मेरी हवेली, आ भी मेरी प्लाट, आ भी मेरा जमीन, आ भी मार्केट दुकान, मेरी मेरी ते उदों हुंदी सी तेरी तेरी। ये फर्क है उन्हां दा ते साडा। क्यों मुसीबतां दे मुंह आ गए? क्यों परेशानियां दे दरवाजे खुल गए? क्यों बीमारियां ते वबावां ने घेरे पा ले? अल्लाह आइए अपने तब्दीली पैदा करिए। कहन लगा सोना तेरा हक बनदा है। वो भी कोई नेक बंदा रब कोलों डरन वाला सी। वो कहन लगा भाई मैं तेनू जमीन नू दे छड़ी, ये ते नहीं ना सवेरे जमीन दे पैसे जेब च, शाम नू जो इट रोड़ा कोई टाली की करे हवेली विच जिवें हुंदी आ। अल्लाह कहन लगा नहीं ये तेरा हक बनदा। वो आंदा तेरा हक बनदा, वो आंदा तेरा हक। मैं सोचना हुंना या अल्लाह तेरी हिकमत आ, किते असी उथे नहीं सां। हाँ जी किते असी उथे नहीं सां, नहीं तो जिवें आउण डई होई आ। असी आंदे कि तुहानूं दोवां नूं भुलेखा लगण डिया, मेरा हक बनदा है, तुहानूं मगालता लग गया है। ये तो साडा मेरे दादे ने घड़ा लप्पिया सी, मेरे मामे ने खजाना दफन किया सी। ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਬੀ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਹਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਏ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ। ਇੱਕ ਮੁਨਸਿਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆਦਿਲ ਕਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਾਬ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਆ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਬਾਦਤ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਰੱਖਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਇੰਜ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦੀ? ਕਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਏ? ਕਾਹਦੀ ਬਰਕਤ ਏ? ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਬਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਆਲਾ ਮਖਲੂਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ।